हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 54 और 20 का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, लास्ट डिजिट चेक करें, 54 का है 4, 20 का है 0। तो किसी भी जो है नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो उसका क्या मतलब है, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका 4 है, 0 है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 आ जाता है, इसका क्या मतलब, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, आप क्या करें, 5 से छोटा 2 के टेबल में आता है 4, तो हम कट करके क्या लिख लेंगे, 4। 2 के टेबल में 4 आ गया, 2000। अब ये 5 था, कट होकर जब 4 बना तो इसका 1 कहाँ चला गया, इधर, ये बन गया 14। 2 के टेबल में 14 आ गया, 7000। ठीक है, अब 2 के टेबल में 2 आ गया, 1000, 0 का 0, फिर लास्ट डिजिट 0 है, इसका क्या मतलब है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखें 2 के टेबल में 7 नहीं आता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ओवरऑल 2 नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर भी यहाँ पे 2 लेंगे, क्योंकि 2 से ये तो डिवाइड हो रहा है, 10 तो हो रहा है, तो 2 से 27 नहीं हो रहा, 27 को 27 वैसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है, 5000, अभी 27 है, ये 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो ये तो पहले ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो अब ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 ले लेना था। अब यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, देखें 3 ले सकते हैं कि नहीं, यस 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है, 9000। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को 5 वैसे ही लिख लें, फिर 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 3000। 5 को 5 वैसे ही लिख लेंगे, 3 है और 5 है, दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब ये अपने टेबल में आते हैं, तो जो छोटा है पहले वो यहाँ पे लेंगे, 3 छोटा है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 आ गया, 1000। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को 5 वैसे ही आ जाएगा, 5 इधर ले लेंगे और 5 1000। एलसीएम के लिए सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखे और इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, तो देखें क्या आ रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 3 = 6, 3 = 18, 8 इधर 1 कैरी, 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10, 108 आ गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, 108 आ गया, 108 को 5 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करवाएं तो क्या आ रहा है, 8 × 5 = 40, 0 इधर 4 कैरी, 5 × 0 = 0 होता है, 0 में 4 कैरी प्लस करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 5 × 1 = 5 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है, 540। ठीक है, ये 540 है। तो एलसीएम 54 और 20 का क्या आ गया, 540। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।